समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वयं योजना के लिए शनिवार को कुल 60 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है इसलिए पिछले कुछ महीनों से फंड का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है जल्द ही छात्र हित निधि उनके खाते में जमा करा दी जाएगी साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों की तरफ से स्वयंधार योजना की शर्तों में बदलाव और सुधार की लगातार मांग की जा रही है समाज कल्याण आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नार के आदेशानुसार एक समिति का गठन किया गया राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठक की गई और सुधार किए जाने वाले मुद्दों पर गहन चर्चा की गई इसी तरह प्रदेश के विभिन्न छात्र संगठनों की मांगों के अनुरूप उनसे चर्चा कर बैठक कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है इसके पश्चात आयुक्त कार्यालय ने हाल ही में बिंदु एक से तेरह के संबंध में सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। स्वयं आधार योजना के नियम और शर्तें साथ ही उसके अनुसार आने वाले समय में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं इसलिए स्वयं आधार योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जाएगा और छात्रों को अधिक गतिशील तरीके और समय में इस योजना का लाभ देना सुविधाजनक होगा प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 441 सौ इकतालीस शासकीय छात्रावास संचालित है तथा इनमें पचास हजार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा चुकी है इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग पच्चीस हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं समाज कल्याण आयुक्त डॉ प्रशांत नार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की भारत रत्न डॉ बाबा साहेब स्वयं आधार योजना एक महत्वपूर्ण एवं सफल योजना है